हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कल की डेट में यहाँ पर दो वीडियो से रिलेटेड हमने बातें करी थी। इन वीडियोस को आपने देखा होगा, देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, करें हर की वीडियो को। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए एक ऐसा स्टॉक जो कि 125% नीचे गिर चुका है और यहाँ से अट्रैक्टिव नजर आता है। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि आपको शॉर्ट में अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर 65% तक के रिटर्न यहाँ पर शॉर्ट में मिल सकते हैं, और शेयर जब भागना शुरू करेगा तो शायद अपर सर्किट लगाता हुआ नजर आएगा। तो कौन सा स्टॉक्स है, क्या क्या करता है, आईटी का स्टॉक्स है, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करने करिएगा। और यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर आपको हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले कुछ पैरामीटर आपको दिखाना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा पहले ही, किस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सी चीज को ध्यान भी दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क भी है, रिस्क भी इन्वॉल्व है, और जहां रिस्क होता है वहां रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर, कंसिस्टेंट यहाँ पर डिविडेंड देती रही है। 2017 में दिया, 2019, 2020, 2021 में 50 पैसे का। स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, और छोटी सी कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इसी तरीके का डिविडेंड भी देता हुआ नजर आएगा। साथ में बोनस भी दिया है 2019 में, यहाँ पर 2018 में यहाँ पर 4:1 का यहाँ पर बोनस भी देती हुई नजर आई है कंपनी। तो कंपनी बोनस दे रही है, कंपनी डिविडेंड दे रही है, हर चीज देती हुई नजर आ रही है। और कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी, आपको अगर याद हो तो, वो ट्रेड नहीं है, मैं आपको जस्ट जनरल आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर लो रिस्क हाई रिटर्न स्टॉक्स, सॉरी ये वाला स्टॉक्स था, यहीं पर ही था, 34 रुपीज, 35 रुपीज का मैंने आपको यहाँ पर, देखिए ये रहा रिस्क टेकर के लिए ये स्टॉक्स मैंने आपको बताया था। अपर सर्किट यहाँ पर अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर जहां पर चल रहा था उससे थोड़ा सा गिरने के बाद अच्छा खासा गिरा था, जो कि मैंने बताया था लो रिस्क हाई 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 रिटर्न है। तो यहाँ पर रिस्क 50% का भी नहीं था, जस्ट लिखा था मैंने 50%, रिस्क यहाँ पर 2-4, 5%, 10% का ही था, बट यहाँ पर रिटर्न अच्छे खासे थे। तो यहाँ पर अब रिटर्न मिलने की बहुत, बट यहाँ पर ले नहीं पाए, जस्ट बिकॉज अगर हम बात करें, ये स्टॉक्स एसएमई स्टॉक्स था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो एसएमई स्टॉक्स में क्या होता है कि बल्क में स्टॉक्स लेना पड़ता है, बट जिस स्टॉक्स से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं वही ये वाला स्टॉक्स एसएमई स्टॉक्स नहीं है। ये वाला स्टॉक्स आप एक खरीदना चाहे एक खरीद सकते हैं, 10 खरीदना चाहे 10 खरीद सकते हैं, 1000 खरीदना चाहे 1000 खरीद सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो कौन सा स्टॉक्स है वो जान लेते हैं। तो इस कंपनी का नाम है मैग्नेटिक क्लाउड लिमिटेड, मैग्नेटिक क्लाउड लिमिटेड की अगर हम बात करें तो आईटी से रिलेटेड ये कंपनी है। बीएससी पे लिस्ट है केवल, यहाँ पर बीएससी दिख रहा है, बीएससी पे एनएससी पे दिखेगी भी नहीं। यहाँ पर अगर देखें तो देखिए 1981 में ये कंपनी को इनकॉर्पोरेट होती हुई दिखाई दी थी, कैलकाटा बेस्ड कंपनी है। नेम ऑफ साउथ इंडियन प्रोजेक्ट लिमिटेड, इट इज प्रेजेंट इन यूरोप, यूएसए एंड एशिया। कंपनी प्रोवाइड्स आईटी सर्विसेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस सॉल्यूशन, दैट इज लिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज एंड रेफरिंग और प्लेसिंग एप्लीकेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट्स। तो कंपनी यहाँ पर आईटी से रिलेटेड काम करती है, कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई नजर आती है, कंपनी बैंकिंग सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है कंपनी। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की अगर बात करूँ तो देखिए कौन से देखे तो एक ही कौन से यहाँ नजर आता है, कंपनी हैज अ लो रिटर्न, मतलब लो रिटर्न यहाँ पर दी है। ये बस नेगेटिव पॉइंट्स है, बाकी पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो देखिए हेल्दी डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इनके प्रमोटर्स ने होल्डिंग खरीदी है, याद रखिएगा, इस क्वार्टर में कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू गिव अ गुड क्वार्टर। तो यहाँ पर अच्छी खासा यहाँ पर क्वार्टर देते हुए नजर आ सकता है, मतलब अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आ सकता है। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर सेल्स देखिए 18-12 पिछले 12 क्वार्टर की सेल्स है, दो यहाँ पर दी थोड़ी सी कम हुई, फिर यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर 4 करोड़, फिर 9 करोड़, 10 करोड़। अभी की भी जो सेल्स है वो यहाँ पर पिछले 3-4 क्वार्टर की सेल्स हाईएस्ट एवर आती हुई नजर आ रही है, 10.6% की सेल्स है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं 0.78% का, लगभग 78 लाख रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर होता है वो नजर आया है। ईयर क्वार्टरली बेस पे तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट है, बट ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रॉफिट आपका कम होता हुआ नजर आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अभी के जो एक्सपेंसेस है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे वो एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और एक साल पहले के जो एक्सपेंसेस है वो 33% थे। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इनकी परफॉर्मेंस में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस 125% जैसे कि मैं कह रहा हूँ नीचे आ चुका है। इसके अलावा कंसोलिडेट नंबर देखेंगे तो यहाँ पर चौंक जाएंगे। देखिए सेल्स तो यहाँ पर अच्छी खासी होती हुई नजर आई है, पिछले 2 क्वार्टर की हाईएस्ट एवर सेल्स है, बट नेट प्रॉफिट यहाँ पर हाईएस्ट एवर है 24 करोड़ रुपीज का। ये किसकी वजह से? अदर इनकम की वजह से है, अदर इनकम यहाँ पर ज्यादा होती हुई
नजर आई है। ये वन टाइम होता है, ओके, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। अदर इनकम नहीं होती तो यहाँ पर कंपनी 3 करोड़ के आसपास घाटे में होती, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। इसके अलावा हम कुछ और पैरामीटर्स की बात करें तो कंपनी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं 20 करोड़, 161, 204, 174 और फिर यहाँ पर 213 और 231 पिछले 12 महीने के यहाँ पर सेल्स है। नेट प्रॉफिट अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन भी देख लेते हैं। स्टैंड अलोन 1 करोड़ रुपए की सेल 2007 में थी और अभी की बात करें तो पिछले 12 महीने की 40 करोड़ की सेल्स है। 27 लाख का प्रॉफिट 2 करोड़ 48 लाख में हो गया। तो ये चीजें दिखाती है कि कंपनी ऐसा नहीं है कि बेकार है, बिल्कुल ही ना कि घटिया कंपनी है, थोड़ी बहुत अच्छी कंपनी भी कह सकते हैं। और थोड़ा सा अगर कंपनी और थोड़ा सा ध्यान देगी बिजनेस पे तो यहाँ पर अपने इधर कॉम्पिटिटर भी ज्यादा है, तो यहाँ पर अच्छे खासे आपको रिटर्न्स भी मिलते हुए नजर आ सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स देख लीजिए, रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 14 करोड़ के रिजर्व्स हैं यहाँ पर। देखिए बोरिंग की बात करें तो यहाँ पर बोरिंग थोड़ी ज्यादा है, 16% तक यहाँ पर, सॉरी 16 करोड़ का यहाँ पर बोरिंग है जो की कम होती नजर आई है 6 महीने के अंदर की यहाँ पर देखे तो। इन्वेस्टमेंट 26 करोड़ का, और जो कैश की बात करें तो कंपनी 2 करोड़ 45 लाख का कैश भी है। जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है। यहाँ पर आरओसी आरओई की बात करें तो 8% के आसपास की यहाँ पर आरओसी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो देखिए प्रमोटर्स यहाँ पर मार्च 2021 में 64% थे, जून में 65% थे और सितंबर की बात करें तो 67.2% है। वहाँ पर मतलब 2 क्वार्टर से यहाँ पर इनके प्रमोटर्स यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और रेड्डी यहाँ पर साउथ इंडियन है आई थिंक, यहाँ पर ये जो अच्छे खासे रेट अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बात करें पब्लिक की तो पब्लिक यहाँ पर होल्डिंग कम होती है नजर आ रही है, 32% की है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर 32 में से भी अगर यहाँ पर देखेंगे 6-7% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है, तो 25-26% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी नजर आती है। तो यहाँ पर देखिए सब चीज अच्छी खासी नजर आती है। ओके, सब कुछ यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की भी बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर देखेंगे तो देखिए नीचे से शेयर ऊपर गया। ओके, 2018 में इस रेंज में चल रहा था, फिर यहाँ पर शेयर पैंडमिक से पहले भी यहाँ पर देखिए नीचे ही चल रहा था, उसके बाद शेयर देखिए अच्छा खासा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, उसके बाद अभी गिरता हुआ नजर आ रहा है। 200 डीएमए 50 डीएमए के काफी नीचे चल रहा है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखे तो कंपनी देखिए स्मॉल माइक्रो कैप कंपनी है 97 करोड़, तो यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है। इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर लो रिस्क ही है और बट हाई रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर हाई रिटर्न आपके बन सकते हैं। पीई की बात करें 39 का पीई है, आरओसी आरओई कुछ खास नहीं है, 41% का डेट भी है और 91 रुपए से शेयर 38 रुपए के आसपास चल रहा है, 10 रुपए का यहाँ पर फेस वैल्यू भी है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें 37 है, उसी के आसपास यहाँ पर शेयर भी चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर चीजें अच्छी खासी नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को बताया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मेड रियल, यहाँ पर इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर इनके बिजनेस प्लान को एक बार देख सकते हैं, जाके समझ सकते हैं। यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको चीजें यहाँ पर और ज्यादा यहाँ पर समझ में आएगी कि कंपनी है क्या, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, वो सब चीज आपको यहाँ पर समझ में आती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स की, हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न की। तो एम क्लाउड या फिर मैगलैनिक क्लाउड लिमिटेड के नाम से कंपनी जानी जाती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था लगभग 26.83% ये शेयर गिर चुका है। सपोर्ट की बात करूं तो इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था और अभी भी बात करें तो एक अच्छे सपोर्ट पे ही है। इससे पहले यहाँ पर एक सपोर्ट था, इससे पहले बात करें तो देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट बनाया था इसने, उसी सपोर्ट पे चल रहा है और इससे पहले भी यहाँ पर बनाया था, मतलब यहाँ पर सपोर्ट एक बेहतरीन सपोर्ट पे चल रहा है। RSI की बात करें 29 के RSI पे चल रहा है। तो यहाँ पर रिस्क की बात करूं तो यहाँ पर शेयर अगर गिरने को आया तो ये शेयर 32 रुपए तक भी आ सकता है, तो 8 रुपए का रिस्क है। और यहाँ पर प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट यहाँ पर मैं मिनिमम लेके चलूंगा कि जब ये शेयर भागना शुरू करेगा, ओके, जो कि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी अगर मैं देखूं तो शॉर्ट टर्म में आपको शायद ये 30% के और थोड़ा सा ये अपर सर्किट में अगर गया तो यहाँ पर 64% तक के रिटर्न दे सकता है। तो ये सब रिटर्न के लिए यहाँ पर आप जा सकते हैं। RSI यहाँ पर काफी नीचे है शेयर की, 200 डीएमए और 50 डीएमए के नीचे है। देखिए यहाँ पर ये कब लागू होता है, जब अच्छा बिल्कुल ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो। ये इसके फंडामेंटल्स खराब भी नहीं है तो अच्छे भी नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चार्ट पैटर्न यहाँ पर शायद रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाता हुआ भी नजर आ सकता है। थोड़े बहुत 30-40% के रिटर्न मेरे ख्याल से आपको शॉर्ट में मिल सकते हैं। तो 52 रुपीज के टारगेट के लिए आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके। यहाँ पर मुझे चीजें अच्छी नजर आ रही है,
बट आपको अच्छी नजर आ रही है कि नहीं, वो इस चीज को आपको देखना होगा। इनकी एक बार बैलेंस शीट को पढ़ लीजिएगा, बैलेंस शीट यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक बार इनके रिजल्ट को पढ़ लीजिएगा, तो रिजल्ट में आपको पता चलेगी इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बट इनके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ परचेज स्टॉक्स इन ट्रेड, जो कि मुझे समझ में नहीं आया। शायद ये कोई स्टॉक्स वगैरह ट्रेड करते होंगे स्टॉक्स में, तो यहाँ पर इनका खर्चा ज्यादा होता हुआ नजर आया। ओके, इसकी वजह से यहाँ पर इनको घाटा होता हुआ नजर आया ये चीज। इसके अलावा इनके कंसोलिडेट नंबर पढ़ेंगे तो वो भी आपको समझ में आएंगे कि कंसोलिडेट नंबर किस तरीके से इनके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अदर इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर इनकी ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंसोलिडेट में। तो ये सब चीज यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर्स भी है, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी है। ओवरऑल मिला के बात करें तो यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे हिसाब से अच्छा बन जाता है। कम रिस्क है, हाई रिटर्न है, उस चीज को याद रखिएगा। 50 आप कह सकते हैं, 50-50 यहाँ पर चांसेस है। तो बाइंग सेलिंग करनी है या नहीं करनी है वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। छोटे स्टॉक्स है, इस छोटे स्टॉक्स भी लोग बहुत कहते हैं कि छोटे स्टॉक्स बताओ, तो छोटे स्टॉक्स से रिलेटेड भी वीडियो आ रही है, बड़े स्टॉक्स से रिलेटेड वीडियो आ रही है, जितना हो सके सपोर्ट भी करिए। और हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।